देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जोधपुर राज्य सरकार द्वारा पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने का 3 दिन का शिविर लगाया गया। शिविर के अंतिम दिन 132 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने क्या बताया, पहले उन्हें सुनते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि जोधपुर के अंदर पाक विस्थापितों की काफ़ी बड़ी संख्या मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास रहते हैं कि पाक विस्थापितों के लिए ना केवल नागरिकता बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी जीवन व्यापी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में जोधपुर के अंदर 3 दिवसीय पाक विस्थापितों को नागरिकता के लिए कैंप रखा गया है, जिसमें आज तकरीबन 100 से ज़्यादा पाक विस्थापितों को एक साथ नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें न केवल नागरिकता बल्कि उनकी जीवन व्यापी समस्याओं का भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में जोधपुर प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आज 100 से ज्यादा लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। आगे आने वाले समय में भी इसी तरह कैंप लगाकर पाक विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण करने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर उत्तर कुंती परिहार, शहर विधायक मनीषा पवार, जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अयूब खान, सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोड़ा, जिला कलेक्ट्रेट इंद्रजीत सिंह, जयपुर से आए गृह विभाग के शासन सचिव भवानी शंकर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपडेट्स के साथ। राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में बने रहिए। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।